ਸਾਬਕਾ ਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। उधर भाजपा च जांदे ही परमपाल कौर सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते पूरी भारतीय जनता पार्टी दी जम के तारीफ कीती। उन्हां कहा है कि भारत भाजपा दे हत्थां विच बिल्कुल सेफ अते सुरक्षित है, जिस कारण उन्होंने भी हुण भाजपा च जाण दा मन बनाया है। मैं धन्यवाद करती हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी श्री जेपी नड्डा जी का, श्री बी एल संतोष जी ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का, श्री हरदीप सिंह पुरी जी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जी का, श्री विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, श्री विजय रूपानी जी इंचार्ज पंजाब बीजेपी, श्री सुनील जाखड़ जी प्रेसिडेंट बीजेपी पंजाब, और श्री श्री निवासलू जी संगठन मंत्री जी पंजाब और चंडीगढ़। इन सब की प्रेरणा से ही मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं और मेरे पति दोनों इकट्ठे ही आज बीजेपी में आ रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल करियर इससे पहले नहीं रहा, मैं प्रशासनिक सेवा से हूं, लेकिन क्योंकि मैं अब शुरुआत करने जा रही थी अपने पॉलिटिकल करियर की, तो मैंने सारी पार्टियों को देख लिया। मतलब सारी पार्टियों को देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रही हूं, तो मेरा मानना यही था कि हमें बेस्ट पार्टी ही चुननी चाहिए। तो पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है, और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए, और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का अगले सालों में, अगले 2047 तक, जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सब से प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूं, ताकि उसमें मैं भी अपना कोई कुछ योगदान डाल सकूं। मुझे किसी और पार्टी का कोई खास भविष्य भी नहीं नजर आता, और उनका कोई विजन भी नहीं नजर आता कि वो, उनका विजन कुछ चुनाव जीतना हो सकता है, जिसमें भी वो लगता है कि किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके आसपास भी वो नहीं है। लेकिन इन ये जो नीतियां हैं बीजेपी की, वो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब हम अगर देखें कि भारत का, छोटी सी बात है कि भारत का पासपोर्ट जो है दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी देश नहीं रहेगा जो इंडिया को वीजा फ्री, इंडियन पासपोर्ट को वीजा फ्री ना करे। तो इन सब को देख के मुझे लगता है कि भाई इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें बीजेपी ने काम नहीं किया, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर तरह, हर फील्ड में काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, और इन सब से प्रभावित होकर अपने देश का भविष्य सुंदर और अच्छा बीजेपी के हाथों में देखकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए, और बीजेपी के मंत्रीगण और इंचार्ज श्री विजय रूपानी जी का, जिन्होंने आज मुझे पार्टी में शामिल कराया है। धन्यवाद। जिक्र योग है कि श्रोमणी अकाली दल के आगू सिकंदर सिंह मलूका की नूह और पंजाब कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू ने बीते दिन अपने अहदे तो अस्तीफा दे दिता, जिस तों बाद भारतीय जनता पार्टी 'च शामिल हो गए ने।
परमपाल कौर सिद्धू 2011 बैच के IAS अधिकारी ने अते इसे साल अक्तूबर च रिटायर होने वाले सी पर हुण अस्तीफा देण अते भाजपा च शामिल होने तो बाद हुण उन्हां दे बठिंडा लोक सभा सीट तो लड़न दे कयास लगाए जा रहे ने। मलूका अकाली दल दे सीनियर आगू ने अते अकाली सरकार विच सिक्ख्या मंत्री दा अहुदा भी संभाल चुके ने। जेकर बठिंडा सीट की गल की जाए तो इत्थों आम आदमी पार्टी ने खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया नूं उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस वाले पासे चर्चा है कि सूबा प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दे घर वाली अमृता वड़िंग नूं उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जबकि विच विचाले सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की भी चर्चा छिड़ी हुई है। इस नाल ही जे गल की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो वह साबका मंत्री सिकंदर सिंह मलूका की नूं नूं टिकट दे सकती है। अजिहे विच बठिंडा लोक सभा सीट ते इस बार फसमा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट्रल पंजाब टीवी।